दोस्तों, आज हम लोग सत्याग्रह में खास तौर पर मिट्टी सत्याग्रह और किसान आंदोलन से जुड़े तमाम तमाम साथियों से हम लोग बातचीत करेंगे। और खास तौर पे हमारे बीच में देश जी और पीएम लता जी हैं, और वो भी अभी थोड़ी देर में पीएम लता जी भी जुड़ जाएंगी। और खास तौर पे हम लोग जानना चाहेंगे कि इन दो बातों के इर्द गिर्द हम लोग बात कोशिश करते हैं कि किस आधार पर कैसे खास तौर पर सुदेश जी हमसे जुड़ गई हैं अभी जो है, तो हम लोग जानना चाहेंगे कि वो किसान आंदोलन में इस समय हैं और लगातार एक तरफ कोरोना की वजह से दिल्ली में भी लॉकडाउन लग गया है और उत्तर प्रदेश में भी जो बड़े महानगर हैं इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, कई ऐसे महानगरों में लॉकडाउन लग चुका है, उच्च न्यायालय ने लगा है। तो इस पूरे माहौल में किसान आंदोलन को कैसे वो देख रही है, कैसे उसका कैसे वो चलेगा सुदेश जी? देखिए, जो आंदोलन हमारा जो दिल्ली से बाहर बॉर्डरों पे है, जो भीड़ जैसे शुरू से लगी हुई, वो भीड़ तो हमारी जारी रहेगी। और हरियाणा में लॉकडाउन नहीं है तो हरियाणा, पंजाब, उस तरफ की जनसंख्या पूरा बॉर्डरों पे, गाजीपुर बॉर्डर, सिंह बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, ये हर जगह हमारी जनसंख्या बल्कि ज्यादा बढ़ती जा रही है। काफी लोगों के फोन आना शुरू हो गए कि जो लोग गेहूं काटने के लिए गए हुए थे गाँव में, वो गेहूं की कटाई पूरी हो चुकी है, गेहूं निकाल लिया गया है, टूड़ी भी बना ली गई, तो अब लोग वापिस बॉर्डरों की तरफ चलना शुरू कर दिया लोगों ने। तो जो दिल्ली के अंदर, जैसे अभी मैं हूं, मैं सुबह चली जाती हूँ टिकरी बॉर्डर पे, शाम को दिल्ली आती हूँ, लेकिन आज जब मैं घर पहुंची पता चला कि दिल्ली में भी लॉकडाउन शुरू हो गया, तो अभी मैं कल की चिंता कर रही हूँ कि कल सुबह मैं कैसे टिकरी बॉर्डर पहुंचूंगी, उसके लिए मुझे थोड़ा सा चिंता हो रही है, लेकिन मैं पहुंचूंगी जरूर, कैसे भी करके जाऊंगी जरूर। जी, पीएम लता जी भी हम लोगों से जुड़ गई हैं। पीएम लता जी, मेरी बात आवाज आपको आ रही होगी, साथियों की सबकी जो है। लता जी, हाँ, मैं जुड़ गई हूँ। हाँ जी, तो हम लोग बात करते हैं खास तौर पे आज हम लोग किसान आंदोलन, मिट्टी सत्याग्रह और इसको जो कोरोना युग में है। तो आप अभी टिकरी बॉर्डर और तमाम जगहों पर जो आंदोलन की स्थितियां हैं, मिट्टी सत्याग्रह का जो है, इसमें कैसे देख रही हैं और इस समय जो आंदोलन की में किसान आंदोलन को कैसे आप देख पा रही हैं? मैं राजीव जी, जिंदाबाद, जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा। सुदेश जी यहाँ है तो आज यानी वो टिकरी बॉर्डर की बात कर रही है, और मैं फिलहाल बिल्कुल होकर आई हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ किस तरीके की स्थितियाँ हैं। और मैं बता दूँ सुदेश जी कि आप लोगों ने हमको बहुत ज़्यादा, जहाँ भी हम हैं, अभी मैं बम्बई से बात कर रही हूँ, लेकिन जहाँ भी जो भी महिलाएं, जुझारू महिलाएं हैं, उनको तो ताकत दी ही, लेकिन आपने वो सारे किसान, मजदूर और जितनी भी महिलाएं हैं, उनको ताकत दी है कि बॉर्डर पे किसान और किसान महिलाएं डटकर बैठी है, खड़ी हैं और जद्दोजहद कर रही हैं। और वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर पे भी चढ़ी थी और उन्होंने दिखा दिया था अपना जज्बा। और मैंने तो लिखा था, मैं आपको बता दूँ राजीव जी, और खास तौर पे आज जुड़े हुए जो भी हो, संदीप हो, बॉबी हो, और बाकी अन्य भी लोग जिन्होंने आज मुझे बुलाया, उनको धन्यवाद देते हुए मैं कह रही हूँ कि मैंने तो ये कुछ कविताएं उस समय मेरे जन्मी है इन किसान आंदोलन के समय, उसमें एक कविता ये भी है कि उसकी लाइन सुना दूं कि हे पंजाब की लाडली पुत्र अमृता प्रीतम, हे पंजाब की लाडली पुत्र अमृता प्रीतम, वो सुबह आने को है जिसका साहिर को था इंतजार। तो मैं जब टिकरी बॉर्डर पे गई, सिंघू बॉर्डर पर गई, गाजीपुर बॉर्डर पर गई और शाजापुर बॉर्डर पर गई, तब मैंने जिस तरीके से देखा जज्बा, तो मुझे लगा कि सचमुच आगाज है। कितनी भी भयानक कोरोना की स्थिति हो, कितनी भी भयानक सरकारी दमन नियंत्रणा हो, कितने भी तरीके से किसी को अर्बन नक्सलाइट करते हुए, किसी तरीके से कुछ कुछ अलग अलग तरीके की तटबंदियां लगाते हुए, पूरे के पूरे बॉर्डर सील करते हुए सरकार ने काफी दमन नियंत्रणा बढ़ा दी हो, लेकिन लोगों का वो जज्बा कायम है। और वो जज्बा कायम देखते हुए मुझे लगता है कि वो सुबह आने को है। और मैंने जो किसान बॉर्डर पे देखा, वो मैंने क्या देखा, तो मैं जब शाजापुर बॉर्डर से हम लोग आ रहे थे और टिकरी बॉर्डर ही आए थे, और फिर रात को हम लोग वहाँ रुके थे,
और रात को जब रुके थे तो पता नहीं चला रात को, लेकिन हमको एक जगह पे रोका गया और फिर मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि ये जो बिल्डिंग खाली पड़ी थी, हम यहाँ सब लोगों के रहने की पूरी व्यवस्था भी कर रहे हैं। और फिर मैं ये देखा, ये बहुत एक अद्भुत दृश्य था, जो दृश्य बाकी सारे जन आंदोलनों में, मैं 40 साल से जन आंदोलनों में हूँ, मेरी शुरुआत 78 में हुई और आपात यानी जिस तरीके की बात आज कही जाती है, तो 74 में मैं जब बिल्कुल 16 साल की थी उस समय आपातकाल की घोषणा हो गई थी इमरजेंसी की और मैं जेपी मूवमेंट से जुड़ गई और 1978 में छात्र युवा संघर्ष वाहिनी की संयोजक भी रही। तो जिस समाजवाद परिवार की बात आप करते हो वो 78 से मेरा सक्रिय, यानी 74 से तो शुरुआत हुई थी लेकिन सक्रिय मेरा जो योगदान शुरुआत रही वो 78 से रही। तो उस समय जो मैंने दौर देखा और आज का दौर और आज तक के मैंने आंदोलनों में देखा, तो आंदोलनों में हमेशा जो मास होता है यानी जो समूह होता है, वो समूह एक चेहरा होता है, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि समूह ही प्रतिनिधित्व कर रहा है समूह नेतृत्व में। मैंने यहाँ देखा कि यहाँ जो बोला जाता है वो करा जाता है और इतना ही नहीं तो ये आंदोलन किसी को भूखा नहीं रख रहा है, ये आंदोलन किसी को दे रहा है और भूखों के लिए का आंदोलन है, भूखे पेट रहेंगे लेकिन लोगों का पेट भरेंगे, इस तरीके की बात चल रही है। ये बिल्कुल अद्भुत स्थिति है। हम जब रात को रुके थे जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में हम लोगों को पूछा गया, सारे युवा साथी थे और पूरे सब लोग हमारी व्यवस्था देख रहे थे कि ये यात्री आए हैं, मिट्टी यात्रा के साथ आए हैं, हम लोग मिट्टी यात्रा के तहत वहाँ गए थे। हालांकि मिट्टी यात्रा का आयोजन जो हुआ था वो 12 मार्च, मैं बोलू ना इसके बारे में, आपने मुझे सवाल पूछा है तो उसको लेकर, तो लेकिन आपने किसान आंदोलन का सवाल पूछा है लेकिन मेरी पृष्ठभूमि बताना बहुत जरूरी है कि मैं किस तरीके से वहां गई। तो मिट्टी यात्रा 12 मार्च को शुरुआत हुई, इसलिए शुरुआत हुई 12 तारीख को कि हम लोग जब गए तो 12 तारीख को ये दिन था कि जब बापूजी ने वहाँ से नमक उठाया था वडाला में, और उनके साथ अरुणा आसफ अली जी थी, उनके साथ कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, सरोजिनी नायडू थी, और उन्होंने उस समय बापू को कहा था कि हम महिलाएं क्यों नहीं शिरकत कर सकती। तब उन्होंने कहा कि आप रहोगी सत्याग्रह में फिर आपके ऊपर अन्याय होगा, हिंसाचार होगा, तो फिर उसका कैसे। तो फिर उन्होंने कहा फिर हमारे रहने का मतलब क्या है, हम अगर इस हिंसाचार को नहीं झेल सकते हैं, इस दमन को नहीं झेल सकते हैं और हम अपना सत्याग्रह खुद नहीं कर सकते तो उसका अर्थ क्या है, फिर हमारे हमारे निर्णय प्रक्रिया और हमारे समावेश की बात आप किस तरीके से करते हो। और बापू को ये बात माननी पड़ी थी और उस समय से महिलाओं का पूरा समूह उन्होंने नमक सत्याग्रह में हिस्सेदारी की थी। आज उसको 91 साल हो गए हैं और उसके पहले असहयोग आंदोलन को 100 साल हो गए थे। और चौदार तालाब जो 20 मार्च को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पानी सबके लिए खुला करने की बात की और पानी को छुआ चौदार तालाब को और सब अस्पृश्यों के लिए पानी खुला होने की बात हुई, वो 1927 में हुई थी, उसको भी कुछ 6 साल बाद 100 साल पूरे होंगे। तो ये तीनों सत्याग्रहों को ध्यान में रखते हुए हमारा फिर मकसद क्या होगा, हमारा प्रतीक क्या होगा। तो काफ़ी युवा लोगों ने मिट्टी सत्याग्रह कुछ साल पहले भी कुछ मिट्टी उठाने की और मिट्टी सत्याग्रह करने की बात की थी, उनमें से फिरोज मिठी बोरवाला, गुड्डी तिवारी और इनके पूरे समूह ने ये बात बाहर लाई और गुड्डी तिवारी के दिमाग में आया कि इस तरीके के मिट्टी सत्याग्रह किया जा सकता है, जिसका नेतृत्व फिर मेधा पाटकर और डॉक्टर सुनीलम जी और फिरोज मिठीबोर वाला, गुड्डी तिवारी और लोगों ने किया। मैं उनकी एक सहयात्री थी, हालांकि मैं NAPM की नेशनल कन्वेनर रह चुकी हूँ, मैं एनरॉल विरोधी आंदोलन के नेतृत्व कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं आयोजकों में नहीं थी, मैं सहयात्री थी। और सहयात्री होने के बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि आप आयोजकों में नहीं होते हो तो आपको बहुत सामान्य जनता में भी, और आप नेतृत्व में नहीं होते हो तो आपको उठने बैठने का मौका मिलता है। और उस समय मैंने जो ललक देखी लोगों में, जिस तरीके की सेवा भावना देखी, और ऐसी सेवा भावना हमारे सबके आंदोलनों में, हम लोगों के लिए सब कुछ करते थे, मोबिलाइजेशन करते थे, हम ऑर्गेनाइजिंग करते थे, हमारे बीच भी उस तरीके का सेवा भाव था कि सबको सब कुछ मिले। लेकिन मुझे पता है कि अगर किसी ने दरी नहीं लाई हो तो हम लोग कहते थे कि आपस में बांट लो,
लेकिन यहाँ दरियों से लेकर, यहाँ टूथपेस्ट से लेकर सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और लोगों को कहा जाता है कि आप आए हो, यात्रा में सहभागी हो रहे हो और हमारे साथ रह रहे हो, किसानों के साथ समर्थन दे रहे हो, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बहुत अभूतपूर्व आंदोलन है राजू जी, और मुझे लगता है कि इस आंदोलन के बारे में और भी जो बातें होगी, आप सवाल पूछेंगे तो मैं बताऊंगी, लेकिन मुझे तीन बातें प्रमुख लगी। एक तो लगा कि महिलाओं का लगातार सहभाग, 9 बजे से बैठकर 3 बजे तक बिल्कुल लगातार जुड़े रहना। दूसरा, युवाओं का बिल्कुल इतना सेवा भाव और इतनी नम्रता मैंने आंदोलन में अनुभव की। तीसरा, वो इस आंदोलन का सामूहिक नेतृत्व, जो सामूहिक नेतृत्व कहीं भी एक व्यक्ति के पीछे खड़ा नहीं है, तो एक पूरे सामूहिकता के तौर पर अपने निर्णय प्रक्रिया में जुड़ा हुआ है। तो ये तीन चीजें मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी जैसे ही मैंने बॉर्डर पे आई और देखा तब। जी शुक्रिया। वैसे मिट्टी सत्याग्रह का जो ये पूरा मॉडल है, ऐसा ही मॉडल मुझे नागरिकता आंदोलन में भी एक बार देखने को मिला था, आसनसोल बंगाल साइड में जो है, जब यहाँ पर नागरिकता पे हमला हुआ था तो लोगों ने कहा कि अपनी नागरिकता को हम यहाँ की मिट्टी से बताएगी जो है। वैसे लता जी ने मेरे दो दो सवालों का जो है एक साथ ही जवाब दे दिया बिना पूछे ना, तो मैं उन दो सवालों को मैं सुदेश जी से एक साथ ही मैं पूछूंगा जो है। तो सुदेश जी, जैसे कि अभी अमृता प्रीतम की जो पूरा विभाजन की त्रासदी थी उसको उन्होंने उकेरा जो है अपने साहित्यों में, और अभी जो पूरा का पूरा जो ये आंदोलन शुरू हुआ, पहले उसमें कहा गया कि ये खालिस्तान है, ये पाकिस्तान, जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाया जाता है, और ठीक आप ऐसे संगठन से जुड़ी हैं जो कि सैनिकों के उनके दुख दर्द से जुड़ा हुआ बहुत ही जो दुखद त्रासदी है उसमें, इसी तरह मुझे लगता है कि एक कश्मीर में भी एक संगठन है हाफ विडोज का जो है, जो जो वहाँ पर जो लड़के मार दिए गए हैं उनके सवालों को लेकर। तो मैं चाहना चाहूँगा कि जब ये सरकार की तरफ से लगातार हमले हो रहे थे इन आरोपों को पंजाब के लोगों पर, या फिर एक सैनिक परिवार या फिर सैनिक से जुड़ाव होने के नाते, इसको आप कैसे देखते हैं? राजीव जी देखिए, जब भी कोई आंदोलन बड़ा पीक पे होता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है आंदोलन, तो सरकार की चालें होती है कि या तो उसकी शक्ति को कम करने के लिए वो दो भागों में बांटना चाहती है, इसीलिए वो तरह तरह की हथकंडे अपनाती है। तभी वो बोल रही खालिस्तानी, वो चाहती थी कि हरियाणा के जो लोग पंजाब का साथ देना चाह रहे थे वो उनका साथ ना दे। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसकी सरकार की चाल थी, वो यही चाहते थे कि पंजाब के भाइयों को बदनाम किया जाए ताकि हरियाणा पीछे हट जाए और आंदोलन कमजोर पड़ जाए। लेकिन अभी इस बार किस पहली बार 70 सालों में पहली बार किसान जागा है, अपने हक के लिए जागा है। ये तो हमेशा क्या होता था कि मैं कांग्रेस का, मैं बीजेपी का, मैं इनेलो का, मैं बादल की पार्टी का, तो हमेशा पार्टी में बैठे होते थे। 70 सालों में मैंने पहली बार देखा कि किसान सिर्फ और सिर्फ किसान बन के बोर्डरों पे डटा हुआ है, और जो शांतिपूर्ण ढंग से एकता के साथ, और जो किसानों की एकता है उसी से मोदी सरकार अंदर ही अंदर हिली हुई है। अब मोदी सरकार अंदर ही अंदर डरी हुई है, हिली हुई है किसानों की एकता से, उनके अनुशासन से, उनकी शांति से, तब वो जाके तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। जैसे बीच में हरियाणा सरकार SYL का मुद्दा उठा के लाई, जब हरियाणा के जवान किसानों ने जवाब दे दिया उनको कि जब जमीन ही हमारे पास नहीं होगी तो पानी में क्या डूब के मरेंगे, तो खट्टर साहब को मुंह की खानी पड़ी। जब जब ये सरकार हथकंडे ने अपना देगी इनको सबको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि किसान जाग चुका है। हरियाणा में तो किसान इतना जाग चुका कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतरने दिया। दुष्यंत चौटाला का उस दिन हिसार में मैं भी गई हुई थी, 4 घंटे हम एयरपोर्ट के बाहर खड़े रहे, दुष्यंत चौटाला 2-3 घंटे तक अंदर एयरपोर्ट के अंदर बैठा रहा। हम उनको बुला रहे थे कि अगर आपकी हिम्मत है, आपके पास पावर है, आपके पास पावर है, पुलिस फोर्स है, किसान सर नहीं हटते खड़े हैं काले झंडे लेके, अगर दुष्यंत चौटाला आपकी हिम्मत है तो आप इस गेट से बाहर आके दिखा दो। और उस इंसान की हिम्मत नहीं हुई तो वहां किसानों की जीत हुई है। जी, इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल है कि जो इसे वन रैंक वन पेंशन जो पूरा सवाल है, और इसको लेकर काफी पॉलिटिकली भी डिबेट है और लगातार बातचीत आती है, और आप किसान आंदोलन में भी हैं, तो आप अपने जो जो आपका जो सांगठनिक काम है और वो कैसे किसान आंदोलन से जुड़ता है, और वन रैंक वन पेंशन का जो सवाल है ये क्या कैसी क्या स्थिति में इस समय है?
देखिए वन रैंक वन पेंशन 14 जून 2015 से आंदोलन शुरू हुआ था जंतर मंतर के। और जब ये मैं और थोड़ा सा पीछे जाती हूँ, 15 सितंबर 2013 को रिवाड़ी में रैली की थी प्रधानमंत्री जी ने, सैनिकों की रैली की थी। वहां पे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर केंद्र में बीजेपी सरकार आती है तो सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन 100 दिन के अंदर दिया जाएगा। इनकी सरकार को आके 1 साल हो गया था, तब जनरल सतवीर और उनकी टीम अरुण जेटली से मिलने गई। अरुण जेटली ने कहा कि हम नेता लोग जो वादा करते हैं इलेक्शन से पहले वो सारे पूरे करने के नहीं होते। तो 14 जून 2015 से हमारा आंदोलन शुरू हुआ जंतर मंतर पे, जो आज तक जारी है। कल 20 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई है। 5 साल से भी ज्यादा हो गए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, लेकिन सैनिक हिम्मत नहीं हारेंगे। क्योंकि वन रैंक वन पेंशन कोई हम भीख नहीं मांग रहे, ये सैनिकों का हक है, ये हमारे सैनिकों की विधवाओं का हक है। मैं आपको बताना चाहूंगी आज की तारीख में सैनिक एक सिपाही की विधवा को 11,800 रुपए मिलते हैं, तो क्या इतनी महंगाई में एक बहन 12,000 रुपए में घर चला सकती है? बड़ी मुश्किल में हमारी बहनें गुजारा कर रही हैं, बच्चों की शादी के लिए भी पैसा जोड़ना है, घर का किराया भी देना है, घर का राशन भी लाना है, बहुत मुश्किल है। और उन्हीं के साथ जो रिजर्विस्ट सैनिक कहलाते हैं, जिन्होंने 62, 65, 71 देश के लिए तीनों लड़ाइयों में भाग लिया, आज उनको 9,810 रुपये पेंशन दे रही है सरकार डीए मिलाने के बाद। ये देश का दुर्भाग्य कहूंगी कि जिन बहादुर सैनिकों ने देश के लिए तीन तीन लड़ाइयां लड़ी हो और आज उनको सिर्फ 9,000 रुपये पेंशन मिल रही है। दूसरा, ये जो हमारा वन रैंक वन पेंशन आज तक जारी है, इसके बीच में चलते हुए 3 बार पुलिस ने, मोदी सरकार ने हमारे सैनिकों के ऊपर, हमारी विधवा बहनों के ऊपर लाठी चार्ज करवाया। 30 अक्टूबर 2017 को जो लाठी चार्ज हुआ, उस टाइम मैं मंच पे बैठी हुई थी, 15-20 पुलिस वाले मुझे घसीटते हुए पार्लियामेंट थाने में लेके गई। उस दिन मैं कहूंगी कि मेरे लिए काला दिवस था। उस दिन को मैं जब तक जिंदा रहूंगी, मोदी जी अगर वो आरोपी दे भी देंगे तब भी मैं उस दिन को नहीं भूल सकती। जो पब्लिक के बीच में हमारा अपमान किया गया, हमें ऐसे घसीटा गया जैसे कि एक क्रिमिनल को घसीट के लेके जा रही हूँ। और मोदी जी दिखावा करते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, सैनिकों को यूनिफॉर्म के सैनिकों को लड्डू खिलाते हैं अपने हाथों से, और उन्हीं के बाप दादाओं की भाई बहन जो जंतर मंतर पे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके ऊपर से लाठीचार्ज करवाते हैं प्रधानमंत्री जी। मैं विधवा बहनों को लेकर 3 बार पीएम में जा चुकी हूँ, 2 बार मोदी जी के घर जा चुकी। हमेशा बोला जाता है कि मेमोरेंडम दे जाओ आपको बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के पास टाइम है क्रिकेटर की शादियों में जाने का, हीरो हीरोइन की शादियों में जाने का टाइम है मोदी जी के पास, लेकिन अपने देश के शहीद परिवार जब उनके घर जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो जब दिखावा दो चेहरे लेके घूम रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो उस सैनिक को बहुत पहले पहचान लिया था, अभी किसानों ने भी पहचान लिया, और धीरे धीरे जो थोड़े से अंधभक्त बचे हैं वो पहचान जाएंगे। उस दिन मैं ये कहूंगी कि देश से धक्के मार के इनको देश से बाहर निकाला जाएगा, दोनों को, अमित शाह को और प्रधानमंत्री जी को। सही कह रही हैं आप। जो है मैं अभी वहां पर गया था, एक बहुत मुझे एक पोस्टर बहुत अच्छा, उसको बहुत मैसेज देने वाला मुझे लगा कि वहां पर लिखा था कि जय किसान जय जवान और धीरे रखे नए युग की शुरुआत करेंगे, बात करोगे तो हल मिलेगा, यदि किसी के मन में निराशा के विचार आ रहे हो तो तुरंत परिवार या निकट वर्तियों के साथ बात करें। ये मैंने कि वहां पर एक मुझे बहुत अपील करता हुआ पोस्टर। और आज कोरोना में जब इस महामारी में जब बहुत बड़े पैमाने पर लोग की जाने जा रही हैं, चाहे भोपाल हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे रायपुर हो, चाहे पटना हो, कोई भी ऐसा कब्रिस्तान जो है या शमशान नहीं बचा है, और ये शमशान और कब्रिस्तान की पॉलिटिक्स करने वाले लोग रहे हैं। तो मैं अभी मैं समझना चाह रहा था कि लता जी कि जो कह रहे हैं लोग कि मान लिया हम एक एक व्यक्ति में क्या होता है कि कभी कभी स्टेप टू स्टेप आंदोलन होते हैं, और मेरा अपना मैंने कि ये कहना है कि और आंदोलनों की अपनी एक गति होती है, जैसे रौलट एक्ट के बाद जलिया उसका विरोध करते हुए जलियावाला बाग हुआ, जलियावाला बाग से कोई उधम सिंह पैदा होता है, कोई भगत सिंह, और कोई एक आजादी की लड़ाई छिड़ जाती है। ठीक उसी तरह 2 अप्रैल 2018 में मैं जहां तक देखता हूँ कि 2 अप्रैल 2018 को मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा जो गुस्सा था जो है रोहित वेमुला की शहादत के बाद जो है 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद कर,
उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा गुस्सा था जो है जो नागरिकता आंदोलन का जो 19 और 20 अस्फाक और बिस्मिल की शहादत दिवस में हुआ। आमतौर पर भगत सिंह पॉलिटिकल डिस्कोर्स में है, चूंकि लेफ्ट पार्टीज के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भगत सिंह रहे हैं, लेकिन अस्फाक बिस्मिल पहली बार इतने व्यापक पैमाने के डिस्कोर्स में आया। और खासतौर पर उसके बाद जो महिला आंदोलन शाहीन बाग की तर्ज पे खड़ा हुआ, पूरे देश में 250 ज्यादा शाहीन बाग बन गए। और आज जब ये किसान आंदोलन माने कि एक उफान पर है, लगातार पूरे देश में महापंचायतें हो रही हैं और लगातार भी बंगाल के रिजल्ट आने वाले हैं, तो माने कि आज एट प्रेजेंट में कैसे आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कि बंगाल में कोई बीजेपी की बढ़त हो जाए, और कल की डेट में इस बात को लोग कहेंगे बीजेपी के लोग कि किसान जो है बीजेपी के साथ में है, या फिर मैं देख रहा हूँ अब की बार हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर हर दिन न्यूज आ रही है और कई क्रय केंद्रों पर मैंने देखा है किसान आंदोलन के दबाव में पंजाब और किसान हरियाणा के किसानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। यूपी में भी क्रय केंद्र सही समय पर टाइमली खुल रहे हैं कुछ स्तर पर, हाँ थोड़ा लेट करती जो की आदत है, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसान आंदोलन की जो एक बड़ी सफलता और एक स्तर पे 10% 5% ही हमारे यहाँ क्रय हो रहा है, लेकिन आने वाले दौर में ये जो बंगाल के रिजल्ट के बाद या फिर जो कोरोना का जो महामारी का दौर है, इसमें कैसे आप किसान आंदोलन को इसकी सर्वाइवल का जो सवाल है कैसे देखते हैं? लता जी, एक यानी ये सवाल जो है, ये सवाल काफी सारे मुद्दों को इकट्ठा करता है, और वो मुझे लगता है, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ। जी आ रही है। तो ये जो है, जैसे कि मुझे लगता है सुदेश जी ने बात की, वहां से शुरुआत करती हूँ, और आपने जो पूछे हैं उन सवालों को, हालांकि सुदेश जी ने जो आज चित्र दिखाया है वो चित्र ये है कि हम नहीं देख रहे हैं जो चित्रों में जो लोग सिविल तौर पे एक नागरिक होने के नाते आज उठ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। 5 वर्षों की जो जद्दोजहद सुदेश जी ने बताई है, तो ये सैनिकों के विधवाओं की जो लड़ाई है वो लड़ाई भी शासन के खिलाफ, न्यायपालिका ने उनके साथ किए हुए अन्याय, उनके वेतन के बारे में और उनके निवृत्ति वेतन के बारे में तो है ही, लेकिन विधवाओं को देखने का ये जो रवैया है, जो महिलाओं को, एकल महिलाओं को देखने का जो रवैया है, तो एक तरफ एकल महिलाओं का आंदोलन भी आकार ले रहा है, और ऐसे छोटे छोटे आंदोलन हर एक जगह पे खड़े हैं राजू जी, और मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से जो आंदोलन खड़े हैं और वो भी अपनी सहन शक्ति खत्म कर चुके हैं, वो इस अंतिम चरण में आ चुके कि अभी इस संविधान को लेकर रास्ते पर बैठना ही जरूरी है, अन्यथा जो 62-65 साल के हैं जिनको 9000 रुपए ही अभी भी निवृत्ति वेतन मिल रहा है, और जो अपंग हो गए, विकलांग हो गए, उनके बारे में तो सोच भी नहीं रही है सरकार, ना ही उन जवानों के बारे में, ना उनके विधवाओं के बारे में, ना उनके बच्चों के बारे में। अब सवाल आता है कि जब हम शहीदों की बात करते हैं तो हम शहीद 1947 के समय हुए शहीदों की बात तो करते हैं, उसके पहले से भी करते हैं, 1857 और उसके पहले भी, जिनमें आदिवासी लोगों ने सबसे पहले ब्रिटिशों के खिलाफ की लड़ाई की, और जो शहादत हुई उन शहीदों को याद करते हुए हमारी मिट्टी यात्रा निकली थी। लेकिन सुदेश जी, मैं आपको बता दूं कि अगर बॉर्डर पे जो शहीद स्तंभ बन रहे हैं उसमें आप भी बिल्कुल, मैं संदीप जी को भी आग्रह करती हूँ कि संदीप जी, हमें अगला कदम जो हम उठाने वाले हैं उसमें सुदेश जी के साथ और बाकी अन्य जितनी भी सैनिकों के विधवाएं हैं उन सब से शहीदों के नाम लेकर शहीद स्तंभ जो बने हैं वहाँ चारों भी बॉर्डर पे, पांच जगह शहीद स्तंभ बने हैं, तो हम लोग वहाँ खास तौर पे जवानों के भी शहीद स्तंभ बनाए जिन्होंने इस देश के लिए जान दी, और उनके जान को देकर कहीं भी सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, और उनको संवेदनशील होना होगा तो उनके हौतात्म्य को, उनके शहादत को उनको याद करना पड़ेगा, जैसे आज हम बिल्कुल भूले गए तंट्या भील, बिरसा मुंडा,
सिद्धू कानू, इनको भी लेकर हम याद करते हैं। कितनी सारी महिलाएं हैं, झलकारी बाई, प्रीति लता वाड़ेदार, रानी गुड़ियालू, इन सबको हम याद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इन्होंने भी शहादत दी उधम सिंह को, हम लोग या शहीद आजम भगत सिंह को, सुखदेव राजगुरु, खुदीराम बोस, सबको हम याद कर रहे हैं। तो इन शहादतों के बाद आज हम लोगों को ये भी याद करना पड़ेगा कि इस देश में कितने सारे जवानों ने शहादत दी और उनके बारे में सरकार संवेदनहीन रहा है और उनका भी शहीद स्तंभ बनना चाहिए। और किसान, जो कि 350 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी है बॉर्डर पे, और आज कल भी हमारे और एक साथी गुजर गए, उसके बारे में भी पता चला कि बॉर्डर पे ही उनकी मृत्यु हो गई और बहुत यंग थे। तो उन सबको अभिवादन करते हुए आपने जो मुझे सवाल पूछा उसको लेकर मैं बात करती हूँ कि इस तरीके से जब आंदोलनों के बाद आंदोलन, आंदोलनों के बाद आंदोलन होते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए सरकार के पास बहुत सारे बातें होती है। इसमें सरकार ने एक रवैया अपनाया है कि किसान आंदोलन के 142 दिन हो रहे हैं, लेकिन सरकार एक बार भी मिलने तक नहीं आई कि इतने लोग शहीद हुए, एक बार भी सरकार ने चौकसी नहीं की। तो सरकार का रवैया उपेक्षा, बहिष्कृत करना, किसान आंदोलन के तरफ बिल्कुल ध्यान न देना, और आप क्या कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो हम नहीं सुनेंगे, हमने तो संसद में बिल अपने आप पारित कर दिया है, इन तीन कृषि बिलों, कृषि कानूनों के बारे में आप क्या बोल रहे हो, हम नहीं समझना चाहते, इस तरीके का एक बहुत ही जो गैर लोकतांत्रिक तरीका है, जिसको गैर जिम्मेवार कहेंगे, इस तरीके का गैर जिम्मेवार तरीका सरकार ने अपनाया है। तो इसके कारण वो शाहीनबाग के समय भी अपनाया, और शाहीनबाग के समय उन्होंने कोरोना इस्तेमाल किया। अब जो बात आपने पूछी मुझे, तो कोरोना के इस काल में लोगों को यही लगता है, और बहुत सारे लोग इस तरीके का अंदेशा भी दे रहे हैं कि शायद हो सकता है कि कोरोना के कारण किसान आंदोलन भी उठाया जाएगा। लेकिन अगर किसान आंदोलन के सारे लोगों से बात करते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बात करते हैं, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति से बात करते हैं, किसान महिलाओं से बात करते हैं, महिला किसान अधिकार मंच से, या सुदेश जी जिस तरीके की बात रख रहे हैं, तो कितना भी संकट आ जाए, खतरा आ जाए, हम अब नहीं हटेंगे। इस तरीके की बातचीत बाहर आ रही है, चर्चा ही नहीं केवल, लेकिन लोग अपना, जो मैं घर देख कर आई, मैंने टिकरी बॉर्डर पर देखा, मैंने सिंघू बॉर्डर पर देखा, मैंने गाजीपुर बॉर्डर पे, तो उन्होंने जिस तरीके के घर बनाए, लोगों के लिए रहने की पूरी व्यवस्था की है। एक बार ये घटना भी हुई वारदात, हमें पता है कि आग लगाने की भी कोशिश हुई। तो इस तरीके के भी संकट आएंगे, खतरे आएंगे, लेकिन अभी हमको बहुत चौकन्ना भी रहना पड़ेगा, और उसी तरीके से हमें हमारी ताकत दिखानी पड़ेगी। जैसे कि रोहित वेमुला के समय सरकार ने समझा था कि रोहित वेमुला के समय स्टूडेंट्स की इतनी ताकत नहीं लगेगी, उन्होंने स्मृति ईरानी, बंडारू दत्तात्रेय, इनका सारा इस्तेमाल करते हुए ऐसे बताया कि ये दलित और ओबीसी के बीच में की लड़ाई है, और ये बच्चा जो है ओबीसी फैमिली से आता है, और शेड्यूल कास्ट लोगों को आरक्षण मांगने का कोई ये नहीं, इसमें शेड्यूल कास्ट के सवाल ही नहीं आता है, और उन्होंने उसको जाति का मुद्दा बनाया, और लोगों ने रोहित का ये मुद्दा उठाते हुए सारे लोगों के मुद्दे, जाति के मुद्दों को लेकर एक अग्रक्रम दिया, और फुले अंबेडकर और संविधान एक पूरे परिप्रेक्ष्य में आया, और एक विद्यार्थियों के आंदोलन में जिसमें छात्राओं की बहुत बड़ी भूमिका रही, और इनको फिर काफ़ी सारी चीज़ें भुगतनी पड़ी। बहुत सारे जो युवा नेता है वो उनको कारागृह में जाना पड़ा, जेल में भेजा गया, सफूरा जैसी लड़की को भेजा गया। मुझे आप कुछ बोल रहे हो, मुझे पता नहीं चल रहा है, आप मेरे साथ बोल रहे हो, नहीं ना? हाँ, तो ये जो बात हुई उनके साथ, सफूरा के साथ हो, या फिर अभी बॉर्डर पे नवदीप कौर के साथ बात हुई, और जिस तरीके से उठाया गया, मनदीप पुनिया को उठाया गया, हमने देखा कि अभी जिन्होंने मंदिर में गीत गाए और कहा कि मंदिर में भी मैं गा सकता हूँ, या मस्जिद में भी मैं मंदिर के गीत गा सकता हूँ, ये खुदाई खिदमतकार के फैजल जी जो संदीप जी के साथ भी जुड़े हुए, ऐसे लोगों को पकड़ा गया। तो ये हमें दिखता है कि एक तरफ बहुत अलग अलग तरीके की
संघर्ष खड़े हो रहे हैं। दलित बहुजनों के आंदोलन भी उसी तरीके से खड़े हुए हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सांप्रदायिकता के विरोध में एक बहुत धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक सद्भाव वाले आंदोलन भी मजबूती से खड़े हो रहे हैं और महिलाओं के आंदोलन जो कि एकल महिलाओं के आंदोलन है वो भी खड़े हो रहे हैं। तो ये नहीं समझेंगे हम कि केवल महापंचायतें और किसान आंदोलन नहीं, तो ये जो छोटे 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 आंदोलन खड़े हैं अगर इनकी सारी छतरियां छाते जो हैं वो इकट्ठा आ जाएगी तो फिर बॉर्डर पे क्या दृश्य होगा, फिर दिल्ली में क्या दृश्य होगा, क्या उस समय संसद को हिलाने की ताकत हर एक जगह से नहीं उठेगी, गांव गांव से। मैंने देखा है बिल्कुल चंद्रपुर गढ़चिरौली से होकर हो गई, उमरेड़ जैसे गांव से होगी या फिर पटना में, पटना के अंदर भी मुझे कितने सारे फोन कहां से पतियाला सा आता है, कभी मुझे फोन आता है आसाम के चायगांव से, या जब मैं बहुजन संवाद करती हूँ तो बिंदु अमीनी जैसे कि आज बॉर्डर पे आकर बैठी है जो शबरीमला के दरवाजे खटखटाती है। तो इन सारे आंदोलनों ने किसान आंदोलन को अपना मानते हुए एक बहुत अलग तरीके की पैरवी करना शुरू किया है जिसको सरकार शायद समझ भी रही हो और सरकार उस तरीके के पैतरे भी अपना रही हो और अलग अलग जगह पे उन्होंने जैसे खास तौर पे डिटेंशन कैंप किए जाते हैं या फिर जिस तरीके की हिटलर मुसोलिनी की चाल थी या फिर हम कहते हैं गोबेल्स का तंत्र था, उस तरीके से मेनस्ट्रीम मीडिया में ये कोई भी बातें वो आने नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमको मेनस्ट्रीम मीडिया में ये बात पता नहीं चल रहे हैं कि लोग कितने तैयार हैं और उनकी मानसिकता कितनी है। तो मुझे लगता है कि जो बात आपने पूछी बंगाल और आसाम के इलेक्शन के बारे में, तो शायद हो सकता है कि दिखाई दे कि उनकी 35% या 35% लोगों ने दिया चुनाव में वोट और 40% और वो शायद चुनकर भी आए, लेकिन जो जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है उनको वो 60 या 70% जनता है। तो ये 65% जनता का जो वीटो है, जो नकार है इसके प्रति, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उसको हमें देखते हुए एक इस तरीके की जद्दोजहद को सामने लाना चाहिए कि ये जो 60% जनता है वो क्या इस तरीके के गैर लोकतांत्रिक पूरी जो आज बात हो रही है विधायकों का कि जिनको जिन्होंने कार्यपालिका भी बर्खास्त, कार्यपालिका को भी अपने ही बलबूते पे लगाया है, सारे सैन्य सारे पुलिस को अपने तैनात में लगाया है और अडानी अंबानी के तैनात में लगा दिया है कॉरपोरेटाइजेशन के तहत, तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए बहुत बात करनी पड़ेगी। एक बात मुझे सूझी थी सुदेश जी, क्यों नहीं पेंशन की योजनाएं LIC और बैंक जिस तरीके से उन्होंने बर्खास्त करने में लगाई हैं, तो LIC और बैंक के प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे को और निवृत्ति वेतन, सैनिकों के निवृत्ति वेतन को जोड़ना चाहिए एक साथ। अगर LIC बर्खास्त होती है तो आपका वेतन बर्खास्त होगा, अगर बैंक बर्खास्त होती है, बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो आपका वेतन कहाँ जमा होगा और आपको किस तरीके से बात मिलेगी, इसको लेकर भी अगर आर्मी अफसरों की बीवियाँ और बेटियां और बहुएं और बहनें अगर रास्ते पर आ जाते हैं और सारे बच्चे भी रास्ते पर आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बैंक और LIC के प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा भी हम लोग एक बहुत बड़े जद्दोजहद और संघर्ष के साथ कर सकते हैं। तो ऐसे संघर्ष खड़े होने की संभावना राजीव जी मुझे दिख रही है और मैं बिल्कुल बहुत ही आशावादी रूप से देख रही हूँ इन सारे लोगों को, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आज पूरा बहुजन तबका उठकर खड़ा हो रहा है जिसमें सर्वधर्मीय मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, इस तरीके के सारे लोग जो हैं, जो कभी दिख नहीं रहे थे परिदृश्य में, वो लोग भी सामने आ रहे हैं और उनमें से नेतृत्व उभर कर आ रहा है। शुक्रिया सुदेश जी। एक चीज मैं इस बात में अपने दर्शकों साथ जा रहा हूँ कि आप साझा करें, जो 8 मार्च को जो महिला दिवस को जो पूरा वहाँ पर एक पूरा बड़ा समंदर जैसा एकदम बन गया था और फिर 23 मार्च को भगत सिंह शहादत दिवस पर, आज इस आंदोलन में जो खास तौर पर बहुत सारे पिक्चर्स आते हैं, जैसे कई बार उसको कई एंगल से कई बार लोग उसको उस पर बात हो सकती है, लेकिन मैं देखता हूँ कि कोई बूढ़े बुजुर्ग कोई बैठे हैं और कोई महिला है वहाँ पर बैठी है, बूढ़े बुजुर्ग जो है, तो मतलब कि इसमें खास तौर पर ये जो युवा महिलाओं का और बुजुर्ग महिलाओं का, मैंने कि क्या इसमें कैसे वहाँ पर लोग एकजुट हुए हैं और
और इस समय क्या स्थिति है लोगों की जो है, क्योंकि जो इसमें जो किसानी का दौर चल रहा है, और कब कब तक लग रहा है कि जो किसानी का दौर चल रहा है कब तक वो लोग वहाँ से अपने काम को पूरा करके आ जाएंगे, और अगर वो इतनी विकराल ठंड को बर्दाश्त कर गए तो क्या जो ये मई और जून का जो हम महीना है तो क्या इसको जो है कैसे उसको वो पार लगा पाएंगे? देखिए राजीव जी, महिला दिवस की आपने बात की 8 मार्च को, हमने उससे पहले 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाया था। हाँ, पूरे टिकरी बॉर्डर पे स्टेज को पूरा महिलाओं ने ही संभाला था, और बहुत ज्यादा संख्या में, बहुत हजारों की संख्या में मात्र शक्ति वहां पे पहुंची थी। ये आंदोलन ऐसा आंदोलन कि पहली बार इस आंदोलन में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, नेतृत्व कर रही है किसान आंदोलन का। ट्रैक्टर चला चला के एक एक ट्रैक्टर बॉर्डर ट्रॉलियां जोड़ जोड़ के, एक एक गांव से 5-5 ट्रॉलियां भर भर के, 5-5 बसें भर भर के महिलाओं की आ रही है। तो मैं ये कहूँगी कि नारी शक्ति बहुत ज्यादा जागरूक हो गई है। पंजाब की महिलाएं पहले से जागरूक थी, 2.5 महीने तक वहाँ रेलवे लाइन में उन्होंने रोटियां बनाई, आंदोलन में साथ दिया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, महापंचायत शुरू की है हमारी। 18 मार्च को हमने कंडेला गांव में, जो जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां शुरुआत की। पहली हमारी महापंचायत महिलाओं की वहां पे शुरू हुई। दूसरा हमारा 7 अप्रैल को हिसार में मैयर टोल प्लाजा पे हुई, और बहुत बढ़ चढ़ कर महिलाएं उसमें हिस्सा ले रही हैं। और वो हमारे एक हरियाणा में कहावत था कि मंडासा मार लिया बहनों ने, वो मतलब? तो परमिशन चाहते कि संयुक्त किसान मोर्चा परमिशन दे उनको, और वो संसद को घेरने के लिए तैयार हैं बहने, बस वो इंतजार कर रही कि संयुक्त किसान मोर्चा कब बहनों को मौका दे। जी राजीव जी, जैसे अभी आपने बोला कि मंडासा मार गया, क्या उसका मतलब क्या है? मतलब तैयार हो गए, कफन कफन बांध लिया सिर पे। अच्छा 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 जी, कफन बांध के तैयार हो गए कि मतलब मौत भी आएगी तो पीछे नहीं हटेंगे। महिलाओं ने अगर हमारी खेती नहीं हो। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत जिंदाबाद एकदम। नारी शक्ति बिल्कुल जाग चुकी है, और मुझे खुशी हो रही है कि जो महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौकी तक सीमित थी, खेतों तक ही सीमित थी, वो आज स्टेज पे चढ़ के अपने विचार, अपनी बात लाखों लोगों के बीच में जाके रख पा रही है। वो एक बदलाव आ रहा है बहनों में। और एक हमारे हरियाणा में लड़का लड़की का जो भेदभाव होता था, कि लड़का है तो लड़का पैदा होने पे थाली बजाई जाती थी, बड़ी खुशियां मनाई जाती थी। तो मैं हर पंचायत में जाती हूँ तो हमेशा बोलती हूँ कि मेरी बहनों, जब बेटी होती है तो बेटी की भी उतनी ही खुशी मनाओ, बेटा पैदा होता है उससे भी ज्यादा बेटी की खुशी मनाओ। तो मुझे कल मैसेज मिला, हमारे एक हिसार डिस्ट्रिक्ट में राखी गाँव है, वहाँ एक मास्टर जी के एक लड़की पैदा हुई, उन्होंने थाली भी बजाई लड़की होने पे, और पूरे गांव को भी बुलाया, रिश्तेदारों को भी बुलाया, जितने प्रोग्राम लड़का पैदा होने पे होते थे वो लड़की पैदा होने पे हुए। तो मुझे लगा कि हमारा समाज बदल रहा है, और ये बदलाव आने वाले समय में मातृ शक्ति अपने देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल के रख देगी। जी हाँ, मैंने भी कुछ फेसबुक व्हाट्सएप कुछ ऐसे कार्ड देखे थे जिसमें भगत सिंह को सिम्बलाइज किया गया था, जिसे हमारे क्या यूपी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सिम्बलाइज करते हुए, खासतौर पर दलित समुदाय में जो है, तो ये अपने आप एक चेंज है। और मुझे लगता है कि शाहीन बाग हो चाहे टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर जो है, इसका एक महिला आंदोलन के इतिहास में इसका एक एक जबरदस्त जो है इसका इसको दर्ज करना पड़ेगा। तो लता जी, मैं ये जानना चाहूंगा इस बात पे जो है कि इस संविधान की भी बात आप कर रही थी, और मैं देख रहा हूँ लगातार चाहे 2018 का भारत बंद हो दलितों का जो है, दलितों का इसलिए कि बड़ी पैमाने पर जिस पर हमला होता है वही खड़ा होता है। मैंने कि एक एक शेर है, हम नवा न हम नसी से निकलेगा, हमारा पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। मैंने बहुत सारे लोग उसके बाद आपके साथ इंसाफ पसंद लोग एकजुट हो जाते हैं। जो ठीक उसी तरह से दूसरा जो बड़ा था कि जब खासतौर पर नागरिकता के नाम पर मुस्लिम समाज को आइसोलेट करने की कोशिश किया गया, विभाजन का बात कहेगी, उसमें भी जगह जगह पर लोग संविधान को लेकर खड़े हुए जो है। मैंने दूसरी बात, और ये तीसरा आंदोलन जो है जिसमें बड़े पैमाने पर लोग जो है 26 नवंबर को ही आंदोलन शुरू हुआ, संविधान दिवस के दिन शुरू हुआ, और संविधान इसका भी सेंट्रल पॉइंट संविधान ही है जो है। मतलब कि अगर एक देखा जाए तो
दलित, फिर मुस्लिम, फिर अगर देखा जाए, अगर हम उस नैरेटिव पे हम उसमें ले जाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पे जो पंजाब या हरियाणा में सिख समुदाय है उसका बड़ा समर्थन अगर देखा जाए तो उसमें इस आंदोलन में है, चाहे वो उनके खिलाने पिलाने से लेकर जो तमाम पंडाल है। तो इसमें आने वाले दौर में खासतौर पर जो आदिवासी समुदाय है, और अभी पिछले दिनों हम देखेगी भी कि किस तरह से नक्सल कुछ घटनाओं को लेकर जो है जो हुई जो है उसके नाम पर कैसे चीजों को थोड़ा सा वो किया गया जो है, और अभी हर चूंकि हर मार्च अप्रैल मई जून एक ऐसे महीने होते हैं जहां पर ऑपरेशन चलते हैं माओविस्ट के नाम पर छत्तीसगढ़ झारखंड इस तरह से प्रदेशों में जो है, तो क्या लगता है कि अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो क्या आदिवासी समाज आने वाले दौर में इस आंदोलन का बड़ा हिस्सा कैसे बन पाएगा, क्या कैसे बन रहा है, या उसकी क्या भूमिका अभी देख पा रहे हैं? और खासतौर पर सबने संविधान उठा लिया है लगभग लगभग, क्या आदिवासी समुदाय में क्या ऐसी कोई डिबेट है, क्योंकि आप बहुजन संवाद भी चलाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इन सारे तबकों में आदिवासी कहाँ हैं। केवल एक बात कह दूं कि जिसमें सुदेश जी ने कहा, तो 18 जनवरी को जैसे महिला किसान अधिकार मंच और सारे लोगों ने आकर किसान महिला दिवस मनाया, उस समय सावित्री बाई और फातिमा शेख और ताराबाई शिंदे इनकी प्रतिमाएं लगी, और सावित्री बाई ही हमारी पहली महिला शिक्षक है और पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख है, इसको पूरी के पूरे देश ने मान्यता दी। और जो बात अभी सुदेश जी ने कही वो बहुत बड़ी बात है कि बेटी का हुआ जन्म, मैं उजली हुई है पूनम, इस तरीके के गाने हमारे महाराष्ट्र से निकले थे कब, 1975 में, लेकिन हरियाणा में बेटी के लिए थालियां बजाना, या मेरे बेटी के जन्म पे मैंने मातृ सेवा संघ में पेड़े बांटे थे, वो मेरी पहली घटना थी कि बेटी के जन्म पर पेड़ा बांटना, नहीं तो बर्फी बांटी जाती थी, पेड़ा कभी नहीं बांटा जाता। तो ये जो पूरे लिंग भाव को लेकर एक बहुत बड़े बदलाव की निशानी है, वो मुझे लगती है बहुत बड़ी बात है। और अब आती हूँ आदिवासियों के मुद्दे पर, तो आदिवासियों के बारे में जो आपने सवाल पूछा है वो है, खास तौर पे मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेकर हमको बात देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से आदिवासी इकट्ठा हो रहे हैं और वो कैसे इकट्ठा होने के अंदेशा कैसे हैं, क्योंकि अडानी अंबानी ने सारे जगह पे, फिर बलियापाल हो, पॉस्को हो, या नियमगिरी के इधर हो, यानी सब जगह पे जहाँ जहाँ आदिवासियों के जंगल है, जहाँ आदिवासियों की ज़मीनें हैं, जहाँ उन्होंने वन अधिकार कानूनों के तहत अपने सामूहिक दावे करने की कोशिशें की हैं, वो सारे सामूहिक दावों को बाजू में रखते हुए अगर किसानों की मंडी को भी निकाल कर, जो बात चल रही है उसके गोदाम भी कहाँ बन रहे हैं, वो आदिवासियों के जंगलों के जगह पर बनने लगे हैं, आदिवासियों की भूमि लेने की बात होने लगी है, और आज वो भूमि इस तरीके से ली जा रही है कि वो सामुदायिक मालमत्ता का अधिकार और व्यक्तिगत मालमत्ता के अधिकार पर, व्यक्तिगत मालमत्ता का अधिकार जिनको मिला है, व्यक्तिगत दावा उन्होंने किया है, उनकी जमीन को बिल्कुल कुछ भी ऐसा भाव देकर, लोगों को लगता है 2 लाख रुपए भी बहुत ज़्यादा है, और फिर वो करीबन 1-1 करोड़ की कीमत होने वाली ये जो ज़मीन है, वो ज़मीन पर अपना कब्जा करना, उस लकड़ी पर कब्जा करना, जल जंगल ज़मीन पर इस तरीके का कब्जा करना, ये जो अडानी अंबानी ने शुरुआत की है और बाकी भी सारे कॉरपोरेट्स ने, और जो जिसकी लड़ाई अभी तक लड़ी गई थी विकास चाहिए विनाश नहीं के नाम पर, बड़े बांधों के खिलाफ, या ये वो सारे तबके भी, जब आदिवासी नेतृत्व वहाँ से नहीं उभर रहा था, लेकिन आज आप देख सकते हो कि दयामणि बारला, शांता खालको, सोनी सोरी, हरदेवी गोंड, हरबती गोंड, नितिशा खालको जो कि बहुत पढ़ी लिखी है और पूरे आदिवासी महिलाओं का भाषा को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर नेतृत्व कर रहे हैं, तो इतने सारे, और आदिवासी युवाओं में भी इस तरीके की ललक मैंने देखी है और हर एक जगह से देखी है, झारखंड में देखी है, उड़ीसा में देखी है, छत्तीसगढ़ में देखी है, मैंने महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में देखी है, तो मुझे लगता है कि आदिवासियों में भी उस तरीके की जद्दोजहद करने का एक पूरा का पूरा पूरी तैयारी है। ये बात बिल्कुल सही है कि स्टेन स्वामी को पकड़ लिया,
ये बात बिल्कुल सही है कि जहां जहां आदिवासियों के संघर्ष है वहां तुरंत जंगल में जाकर नक्सलाइट कहते हुए उनको पकड़कर उनको अंदर डालने की कोशिशें चल रही है और वहां सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार किए जा रहे हैं। जैसे असम में जिन्होंने लड़ाई करने की कोशिश की, जिन्होंने बात उठाने की कोशिश की, वो अखिल गोगोई जो कि NAPM के हमारे साथीदार भी रहे, उनको अंदर किए हैं वह। तो हमने देखा है कि हर एक जगह पे इस तरीके की बातें चल रही हैं और हमारे जो 52 साथीदार हैं जो जन संगठनों से जुड़े हुए हैं वो भी UAPA के तहत अंदर है। तो सरकार इसकी साजिश करेंगे, सरकार आदिवासियों के संघर्ष तोड़ने की भी साजिश है उन्होंने, जैसे कि नियमगिरी और पास्को के समय किया है और अलग अलग जगह पे बंदूकें उठाई हैं, जैसे कि दयामणि बारला जैसी एक बहुत बड़ी जुझारू महिला लड़ी भी है उसके खिलाफ, और फिर उन्होंने बहुत सारे चीज़ों में आदिवासियों के हक मिलाने की बात भी की है। तो मुझे लगता है कि आदिवासियों के जो संघर्ष है वो कहीं भी कम नहीं, फिर वो नर्मदा से उठ रही आवाज़ हो, घाटी से झाबुआ से उठ रही आवाज़ हो, अलग अलग तबके से छोटे छोटे तबके से उठ रही आवाज़ें हैं वो तबके, फिर बैतूल के जहाँ जंगल है जहाँ से आदिवासी क्षेत्र शुरू होता है, महाराष्ट्र के हो, दंडकारण्य का हो, मेलघाट का हो, इन सारे जगह पे उन्होंने RSS के आश्रम लगाना शुरू कर दिया है। इन सारे जगह पर आप अगर देखोगे तो उन्होंने आदिवासियों का धर्मांतरण करने की शुरुआत कर दी है, और ऐसे समय पे अगर आदिवासी उन धर्मांतरण के जाल में फंसाने की उन्होंने कोशिश की है लेकिन उसमें न फंसते हुए अगर तंटिया भील और बिरसा मुंडा के जैसे फिर से एक ताकत अगर उठती है या मामा बालेश्वर जैसी व्यक्ति हम समाजवादी इसमें आंदोलन में से उनको और भी ज़्यादा झकझोरते हुए वो ताकत देती है, तो मुझे लगता है कि आदिवासियों की जद्दोजहद, और वो ज़्यादा समझदार है, मुझे लगता है कि आदिवासियों के जितना कोई प्रकृति को कोई नहीं समझता है, और वो इतने समझदार है कि उनको पता है कि ये किस तरीके की जंजीरें वो लोग हमारे लिए ला रहे हैं। तो प्रकृति के साथ सहजता से जीने का अभी भी अगर स्वभाव किसी का है तो हम किसी का नहीं है जितना आदिवासियों का है, और इसलिए मुझे लगता है कि गुंजाइश तो वही हुए हैं और सबसे अंतिम व्यक्ति जो होगी वो आदिवासी महिला होगी जो इस पूरे संघर्ष का नेतृत्व जरूर करेगी, जैसे अभी किसान महिलाओं ने दिखा दिया। तो आदिवासी किसान महिलाएं अभी अभी आपके साथ जुड़ी भी थी सुदेश जी, लोक संघर्ष मोर्चा की 1000 महिलाएं आई थी, नर्मदा घाटी कुछ महिलाएं आई थी, लोक संघर्ष मोर्चा की सीता जी जो है और उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और एक जो सायरा जो है वो, इन दोनों की शहादत हुई है बॉर्डर पे, और उन दोनों ने शहादत देने के बाद नंदुरबार दुलिया में जब वो वापस गए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा, सारे लोगों ने ये संकल्प लिया है कि किसानों के आंदोलन में हम पूरी पूरी शिरकत करेंगे और सारे आदिवासी महिलाएं और पुरुष इसका साथ देंगे। तो ये आगाज है राजीव जी, और ये आगाज मुझे दिख रहा है कि हर एक जगह पे उठेगा और जद्दोजहद ये छिड़ेगा, आंदोलन के आसार तो मुझे दिख रहे हैं। नहीं नहीं सही कहा आपने, और जहां तक लता जी ने कहा कि अगर देखिए कि कभी अपने NBA के साथी लोग कहते हैं कि जागो जागो मजदूर किसान, जल जंगल जमीन के लिए शुरू हुआ संग्राम, तो मुझे लगता है कि अभी मुझे याद आ रहा है कि पिछले दिनों हम लोग NAPM की बैठक कर रहे थे मऊ जिले में, गए तो एक हमारे शाहआलम भाई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सांप्रदायिकता है, टेरर अफेक्टेड या इस तरह के सवालों से हम जूझते ज्यादा हैं। जैसे अभी महिलाओं की बात आ रही थी तो मुझे ख्याल आ रहा था कि हमारे यहाँ लगभग 35 लड़के टेरर के नाम पर पकड़े गए हैं, 5 लड़कों को फांसी हुई आजमगढ़ के, मैंने कि सबकी अगर माओं की हालत, उनकी बहनों की हालत अगर देखी जाए तो जो बहुत सारे लड़के, 2 ही 3 की शादियां हुई थी, उनके बहुत हालात बहुत गंभीर है लेकिन उनकी कभी वॉइस नहीं आ पाती थी। खैर हम लोगों ने 2 रिपोर्टों में उनकी वॉइस को लाने का कोशिश किया कि महिलाओं की भी वॉइस आए जो है, और लेकिन जहां तक आदिवासी समाज का सवाल है, मुझे लग रहा है कि मैंने जो सवाल किया अगर देखा जाए कि हम सब लोगों ने आदिवासियों से ही सीखा है, क्योंकि आदिवासी दो इसके पहले की गवर्नमेंट में भी उसके खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन हंट चल रहा था, इस गवर्नमेंट में भी उसके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, और जल जंगल जमीन की जितनी मजबूत लड़ाई इस देश में इसमें आदिवासी समाज लड़ रहा है उससे मजबूत लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। उसका दूसरा तीसरे स्टेप में जो आज आंदोलन का जो बृहत्तर स्वरूप आया है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस आंदोलन से भी इस आंदोलन ने सीखा होगा। मुझे एक बात जोड़नी थी राजू जी, ये जो घुमंतु विमुक्त जनजातियां हैं
जिनको सरकार ने तय किया कि ओबीसी में डाले या दलितों में डाले, ये जो घुमंतु विमुक्त जनजातियां हैं उनको जंगल के भी दावेदार नहीं हो सके, वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट राइट्स के तहत भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहा गया उनको, लेकिन फिर भी उनको वन उपज उठाने या निस्तार के अधिकार नहीं मिले हैं। तो ऐसे जो जितनी जनजातियां हैं वो जनजातियां अलग अलग तरीके का काम करती रही है, कभी वो लुहार है, कभी वो मृगों की कस्तूरी लाकर उसका बेचने वाले हैं, कभी वैदू है, और बहुत अलग अलग तरीके का, जिसको अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब करके उनको घोषित कर दिया था। ये क्रिमिनल ट्राइब्स करके जो थे घोषित किए थे उनको संविधान में बाबा साहेब ने बहुत लाने की कोशिश की थी, और उनके अधिकार किस में जाएंगे इसको लेकर बात उठी थी, तो 340 तब मंजूर नहीं हुआ, जिसको लेकर बाबा साहेब ने एक राजीनामा, उनका इस्तीफा देने का एक वो भी कारण रहा है। तो उस समय घुमंतु और विमुक्तों का जिस तरीके का समावेश नहीं हुआ है, आज उनमें से बहुत सारे जनजातियाँ उभर कर आई है। महाश्वेता देवी के इसमें हमें दिखता है, लेकिन अगर आप लक्ष्मण गायकवाड़ महाराष्ट्र के अगर कुछ लोगों को देखेंगे, लक्ष्मण गायकवाड़, लक्ष्मण माने, अब उनमें से जो महिलाओं की ताकत उभर कर आई है, पल्लवी रेणके, प्रियंका राठौड़, ये सारी जो लड़कियां हैं वो उन्होंने आज वकील बन गई है और अपने पूरे जाति जमाती के मुकदमे लड़ने लगी हैं। तो ये जो घुमंतु विमुक्त ताकत है ना, वो भी चुप नहीं बैठने वाली है अभी, क्योंकि उनको तो कहीं भी नहीं, तो उनका कहना है कि हमारी तो शाहीन बाग से भी बदतर हालत है, मुसलमानों को लड़ने के लिए कम से कम हाथ में कुछ हिस्सा तो है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे, हमारी बॉर्डर क्या होगी, हमारी सरहदें क्या होगी, हमारे गाँव ठान कहाँ होंगे, हमारे निवास कहाँ होंगे, हमें जो दिया गया था अभी अभी मिलने लगा था, वन अधिकार कानून के तहत थोड़ा सा मिला था, और फिर रेणके आयोग और कुछ आयोग आने के बाद थोड़ा मिलना शुरू हुआ था, वो भी हमारे हाथों से छीना जा रहा है। तो ये जो है ये बहुत बड़ी साजिश है इस पूरे सरकार की, और उसके खिलाफ हम लड़कर ही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा तबका है जो अंदर से एक ज्वलनशील तबका है, और वो बुद्ध धम्म के तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि दलितों के और बुद्धिस्टों की ताकत बढ़ाने की और सम्यकता के तरफ जाने की, जो एक एक बहुत 52 कम्युनिटीज है, जो इनको 55 कम्युनिटीज है जिनको लक्ष्मण माने ने बुद्धिज्म के तहत दीक्षा देने की बात की, और उन्होंने कहा कि अगर हमें संविधान में वैसे अधिकार नहीं तो हम बुद्धिस्ट होकर हमारे अधिकार लेंगे। तो इस तरीके की बातें भी उठ रही है जो हिंदू धर्मांधता और सांप्रदायिकता को एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह करते हुए अलग तरीके के धर्मांतरण की बात करेगी, और वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, जिसके ऊपर संदीप जी भी काम कर रहे हैं, आप लोग सब काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि धर्मांतर के कानून के खिलाफ, धर्मांतर के बारे में जो कानून लाया गया है सरकार ने, यूपी सरकार ने लाया है, हर एक जगह पे वो लाकर लोगों को धर्मांतर करने से रोकने की बात कर रहे हैं, और हिंदू धर्म से कहीं नहीं जाएंगे, या तो फिर घर वापसी होगी, ऐसे कर रहे हैं। इसको लेकर हमें बहुत चैलेंज करना पड़ेगा, और वो जो ताकत उठेगी वो मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमान ही नहीं, इस देश के सारे धर्मों की एकता के लिए एक अलग तरीके की मिसाल बन सकती है, और ऐसा मुझे लगता है कि इस तरीके का एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी संभावनाएं मुझे दिख रही है, कि जहाँ भले ही ये कहेंगे कि हम सांप्रदायिक विरोध और सांप्रदायिकता में और लोगों को बांटेंगे, हम उनको चमहार को चमहार कहेंगे, महार को महार कहेंगे, और पूरा का पूरा जो संविधान था वो उसको बिखेर देंगे, लेकिन अब ये ताकत किसान आंदोलन में भी दिखने लगी, कि कभी जाट पंचायत ने कभी चमहार या महार के हाथ का पानी नहीं पिया था, आज वो कभी भी सोच नहीं रहे कि लंगर देते हुए पानी देते हुए कि ये कौन से जाति का है, किसी धर्म का है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात हो रही है कि जातियाँ टूटने की, धर्म के ये जो बेड़ियां हैं वो टूटने की, और महिला और पुरुष के बीच में जो लिंग भाव और लिंग भेद है वो दरारें टूटने की। तो मुझे लगता है कि ये इसको हमें सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का कोई भी चित्र मेनस्ट्रीम में नहीं दिख रहा है। मेनस्ट्रीम में ये दिख रहा है कि सब कुछ जो है वो इनके अच्छे दिन वाली बात है, लेकिन हम सब लोगों के भी बहुत अलग तरीके के अच्छे दिन आए हैं, जो हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा आ रहे हैं, तो वो भी देखने जैसी बात है, और वही शायद चैलेंज होगा मोदी को या मोदानी मॉडल को, जिसको डॉक्टर सुनीलम जी हमेशा कहते हैं मोदानी मॉडल, क्योंकि मोदी और अंबानी या अडानी को जोड़कर ये मोदानी मॉडल को अगर गिराना है तो बात होगी।
मुझे लगता है कि साथियों हम लोग काफी कुछ बात कर चुके हैं, और कोई अगर साथी अगर यहाँ पर अपनी बात रखना चाहे तो कोई सवाल हो तो स्वागत है। और मैं संदीप जी से भी चाहूंगा कि वो क्योंकि मिट्टी सत्याग्रह में आप भी गए थे, और आज की जो आज ही मैं कई साथियों से बात कर रहा था बलवंत भाई से, बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था कि वहां पर जा रहे हैं साथी लोग, फिर लोगों ने कहा कि नहीं हम लोगों को एक बार वहां चलना चाहिए क्योंकि मालूम चल रहा है कि लोग कम हो रहे हैं, तो लेकिन हम यहाँ पर अब काट लिए गेहूं जो जाना चाहिए, तो क्या ऐसे देख रहे हैं कि यह आंदोलन जो है, इसी के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। नहीं, मैं सिर्फ एक टिप्पणी करना चाहूंगा, जो सुदेश जी ने बात की आज मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम लोगों को यही मालूम था कि पंजाब और हरियाणा में जो लिंग अनुपात है वो बहुत खराब, यानी कि प्रत्येक 1,000 पुरुष पे जो महिलाओं की संख्या है वो पूरे देश में हरियाणा और पंजाब में सबसे कम है। और इस आंदोलन में एक ये बात जो उन्होंने कही कि महिलाओं का सम्मान हुआ, तो ये मुझे बहुत एक आज एक नई चीज, हालांकि मैंने चित्र देखे हैं महिलाओं की सभाओं के और महिला दिवस और उसके पहले महिला किसान दिवस जो मनाया गया वो सब देखा, लेकिन अचानक मुझे ये ख्याल आया कि जो पिछला किसान आंदोलन हुआ था महेंद्र सिंह टिकैत और शरद जोशी वाला, उसमें तो महिलाएं कहीं थी नहीं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो महिलाएं इस बार बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं, ये एक गजब का परिवर्तन है, और खास करके पंजाब और हरियाणा की महिला। और जो इन्होंने बताया कि बच्ची पैदा होने पे भी उसी तरह की खुशियां मनाई गई हरियाणा में जैसे कि बेटा पैदा होने पे होती है, ये एक नई चीज है जो किसान आंदोलन की देन है। और इस आंदोलन में हमने एक और चित्र देखा कि महिला ट्रैक्टर चला रही है। तो मैं सुदेश जी से पूछना चाहूंगा कि हरियाणा पंजाब की कितनी महिलाएं ट्रैक्टर चलाने लगी हैं, और क्या हम किसी दिन ये चित्र देखेंगे कि जैसे 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली में घुसा था, क्या किसी दिन महिला किसान भी ट्रैक्टर लेके दिल्ली में घुसेंगी? बस संयुक्त किसान मोर्चा अगर परमिशन दे तो संसद का घेराव करने के लिए महिलाएं आएंगी सारी, और हरियाणा की तो हर बेटी हर बहू ट्रैक्टर चलाती है, गाड़ियां भी चलाती है लेकिन ट्रैक्टर से भी चलाती है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि जब टिकरी बॉर्डर पे भूख हड़ताल पे हमारे किसान भाई बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि अगर हम खेत में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, बॉर्डरों पे हम जमीन में आपके कंधे से कंधा मिलाकर बैठे, तो भूख हड़ताल पे अकेला किसान क्यों बैठे, हमें भी परमिशन दो। तो मैं घर से ये सोच के गई कि आज मैं भी भूख हड़ताल पे बैठूंगी, लेकिन वहां जाके मुझे परमिशन नहीं दी, कहा कि नहीं आप महिला हो, रात में यहाँ पुरुषों के बीच में रुकना आपके लिए सुरक्षा का थोड़ा मुश्किल होगा। मैंने नीचे बैठ के 5 बजे तक भूख हड़ताल की। अगले दिन फिर मैंने ऐसा ही किया कि शायद आज मुझे बैठने दें। अगले दिन भी मैंने नीचे बैठ के पब्लिक के माताओं बहनों के बीच में बैठ के 5 बजे तक भूख हड़ताल की। तीसरे दिन फिर मुझे परमिशन मिली कि मैडम सिंह बॉर्डर पर किसान नेताओं की मीटिंग हुई है और आप 11 महिलाओं को लेकर भूख हड़ताल में बैठ सकते हो। 25 दिसंबर 2020 को मैं 11 महिलाओं को लेकर भूख हड़ताल में बैठे, पूरा मंच हमारा था 24 घंटे के लिए, और उसके बाद हम 5 बार 11-11 महिलाएं वहां पे भूख हड़ताल पे बैठे। तो कई बार हक मांगने से अपनी मर्जी से कोई नहीं देता, मांगना भी पड़ता है छीनना भी पड़ता है। जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ऐड किया इसमें, आज बुलाया, आपकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी का। मुझे ना संदीप, मैंने इनके ऊपर कविता लिखी थी जब मैंने इनको ट्रैक्टर चलाते हुए देखा सबको, और इनके जो पोती नातियों को सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा लेते हुए देखा, तो मुझे लगता है कि उससे कुछ वो मैं कहूँ क्योंकि उस आप कहिए कविता कहिए, और उसके बाद राजकुमार भारत जी हैं अगर वो कुछ कहना चाहे। हाँ तो चलेगा राजकुमार जी की मैं आप पहले सवाल पूछना पहले आप ही ठीक है। तो वही लाइन है पहली कि ये पंजाब की लाडली पुत्र अमृता प्रीतम, अब वो सुबह आने को है जिसका साहिर को था इंतजार। जब वे पीले दुपट्टे सर पर ओढ़े हरे झेंडों के बीच एक लहलाते खेत के जैसे बैठी थी टिकरी बॉर्डर पर, लग रहा था ताजे सूरजमुखी के फूल खिल उठे हैं।
वो सुबह हो चुकी है जिसका इंतजार था साहिर को। उनके अंदर से फूट रहे थे नारे और उनके शरीर से आ रही थी मिट्टी की सौंधी खुशबू, तलखी में भी एहसास दे रही थी एक ऐसी फुहार का जो दिमाग को ठंडक दे रही थी। उनके हरेक के हाथ में संविधान की किताब थी और सामने बैनर था सावित्री फातिमा ज्योतिराव भगत सिंह पेरियार शाहू भीमराव का। वे अपनी पोती नातियों के साथ दरवाजे खटखटाने आई। किताबें, नोटबुक, कॉपियां, मोबाइल सबसे पढ़ रही थी ऑनलाइन। क्या मैं मिडल में नहीं आ सकती हूँ क्या? मैं लगातार उधर ही हूँ, मुझे मैं खुद मिडल में नहीं दिख रही हूँ। कॉपियां, मोबाइल सबसे पढ़ रही थी वो ऑनलाइन। पूछा था एक पत्रकार ने छोटी लड़की को, क्यों कौर जी प्रधानमंत्री बनोगी? उसने तुरंत कहा, कभी प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, मानवीय अधिकार देने वाले वकील जरूर बनूंगी लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं बनूंगी। तो फिर ऐसा वैसा, फिर एक लड़की बोली, ऐसा वैसा मत समझो न्यायमूर्ति जी, शरद बोबड़े जी को वो सवाल कर रही थी, हम खुद किसानी करते हैं, आसान होता तो हर कोई किसान होता वाला नारा भी एक कंपनी ने बुलंद कर दिया इस दरमियान। वो लड़की बोली, हमारा परदादा था ज्योतिराव फुले, परदादी थी सावित्री, उसकी सहेली थी फातिमा शेख, उन्होंने जो बीज लगाया, शिक्षा की फसल अचानक दिल्लियों के बॉर्डर पर उगेगी, ये कभी ना प्रधानमंत्री ने सोचा ना गृह मंत्री ने सोचा। और मनुवाद को कैद कर दो, मनुवादी उन्हें सोचा था कि कैद कर दो सावित्री फातिमा मुक्ता तारा रखमा, लेकिन ये तो जैसे एक हर कीड़े में खुद को छिपा कर मिट्टी के ढेले के नीचे पलती रही, हल चलाती रही, ट्रैक्टर चलाती रही, बीज बोती रही। किसको पता था सावित्री ने बोया था जो बीज, वो सूरजमुखी बनकर ऐसे लहलाएगा कि अक्षरों को समझने की ताकत देखकर, ज्ञान की रोशनी की चमक देखकर तानाशाह की भी आंखें चौंध उठेगी और अंधेरा दूर भागेगा। वो सुबह आने का अंदेशा है। ये लाडली पंजाब की पुत्र अमृता प्रीतम, जिसका साहिर को था इंतजार। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये तो आपने जबरदस्त कविता लिख दी और हिंदी में इतनी अच्छी कविता लिख दी जबकि आपकी मातृभाषा मराठी है, इसलिए आपको और बधाई। धन्यवाद जी जी। इस कविता का तो आपने YouTube वगैरह भी बनाया होगा। आपका ये ऑफ हो गया, माइक ऑफ हो गया। आप बना रही हूँ क्योंकि बहुजन संवाद में इसको मैंने दो बार प्रस्तुत किया भी था, तो अभी करूंगी, तो सुदेश जी को भेज भी दूंगी, आपको भी भेज दूंगी ताकि आप वहाँ जरूर। थैंक यू नताशा जी, बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी शेयर करूंगी मैं भी सोशल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल। नीलम कोई सवाल पूछना चाहती है, उसके बाद राजकुमार भारत जी 2 मिनट में बात रखेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। नीलम आप क्या सवाल पूछना चाहती है? अपना माइक ऑन कीजिए। नीलम वैश, मेरा नमस्कार, मैं नीलम हूँ। और जैसे सुधीर मैम ने बोला कि हमें किसान आंदोलन में बहुत देर तक 5 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो क्या महिलाओं को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सके? क्या ये जब महिला और पुरुष बराबरी की बात करते हैं तो क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि हम किसान आंदोलन में अपनी बात रख सके? तो मैम सॉरी बट ये हमारा क्वेश्चन है। नहीं, उन्होंने बाद में, आपने देखा, उन्होंने बाद में ये बताया कि उनको वहां बैठने का मौका मिला महिलाओं के साथ, और एक नहीं तीन तीन बार। और उन्होंने ये भी कहा कि जब हमें अपना हक नहीं मिलेगा, मांगने से नहीं मिलेगा, तो उसे छीनना भी पड़ेगा, ये भी बात उन्होंने कही। तो उन्होंने पूरी बात कही है। और महिलाओं की जितनी बढ़ चढ़ के भागीदारी किसान आंदोलन में है, वो एक बहुत एक शुभ संकेत है, क्योंकि इस देश में आम तौर पे जब किसान शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो माना जाता है कि आदमी, उसमें औरत की तो छवि कहीं आती नहीं उस हिसाब से देखा जाए, जबकि महिला जो है खेत में ज्यादा काम करती है आदमी से, और पशुपालन में भी महिलाओं की ज्यादा भूमिका है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो महिलाओं की जो भागीदारी इस आंदोलन में हो रही है वो पहले के आंदोलनों से कहीं ज्यादा है, और ये एक बहुत अच्छी बात है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये भागीदारी और ज्यादा रहेगी। अब मैं राजकुमार जी को 2 मिनट के लिए बुला रहा हूँ, फिर कार्यक्रम का समय हो गया है, फिर हम लोग इसको समाप्त करेंगे। राजकुमार जी बताइए। राजकुमार भारत जी कुछ बोलेंगे?
अरे आपका माइक ऑन है, कुछ बोलिए राजकुमार जी। आपका आपका हम लोग तस्वीर आपकी देख पा रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, समय समाप्त हो गया तो हम इस सत्र को समाप्त। हाँ जी जी बोले राजकुमार जी। नहीं आपका कनेक्शन ठीक नहीं, आपका कनेक्शन ठीक नहीं, आपको फिर किसी और दिन लेंगे। और राजीव भाई ने मुझसे आग्रह किया फोन करके कि मैं समापन कर दूं, हालांकि वो फिर जुड़ गए हैं। राजीव आप समापन करना चाहेंगे तो आप ही कीजिए। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं आप करिए सर। जो नहीं नहीं आप आ गए तो आप कीजिए, आप औपचारिक रूप से आप ही जी। नहीं नहीं बहुत बहुत अच्छी बातचीत हम लोग की रही है और मुझे लगता है कि इन बातचीत में जो है बहुत सारे सवाल आए, खासतौर पे अभी आदिवासी आंदोलन के बारे में हम लोग जो लास्ट बातचीत कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे, चूंकि किसान आंदोलन इतनी व्यापकता लिए हुए है तो उसमें उसको एक घंटे में बातचीत करना उतना शायद आसान नहीं हो, लेकिन खासतौर पर जो महिला आंदोलन के बारे में लास्ट में जो संदीप जी ने जिस बात को ज्यादा उसको सूक्ष्मता से देखा जो है कि, और सुदेश जी ने जो कहा कि अगली बार महिलाएं हम तो संसद घेर लेंगे जो है, और जिस तरीके से ये पूरा बात हुई और वहां पर मेरे लिए भी पर मुझे चूंकि मुझे तो कोई भी चार पहिया गाड़ी नहीं चलाने आती है, अगर ट्रैक्टर तो वहां के लोग चला रहे हैं। और सबसे बड़ा मामला है कि हमने भी अपने यहाँ जो हम लोग छोटी छोटी बातचीत करते हैं उसमें हम लोगों ने देखा कि आज उसका असर, उस आंदोलन का असर ये है कि हमारे यहाँ भी लोग जो है ट्रैक्टर को वो सम्मान की दृष्टि से देखते थे, नहीं तो ट्रैक्टर को जैसे कि लोग जो जैसे जिस फ्यूडल पूर्वांचल के समाज से हम लोग आते हैं वहां पर जैसे हमारे गांव में जो है जो हर माने जोतने वाले को हरवाहा कहते हैं, हल जोतने वाले को, और उसी तरह से जो और वो खास तौर पर दलित समाज के लोग होते हैं उसी तरह से ट्रैक्टर चलाने वाले को भी हरवाहा ही समझा जाता था। तो ये पंजाब के किसानों का एक बड़ा इसमें योगदान रहा कि उसने श्रम के मूल्य को भी उसको एक सम्मान दिया जो है। हम लोग आने वाले समयों में और भी बहुत सारे बातचीत संदर्भ में करेंगे और फिर आप लोगों ने वक्त दिया इसलिए शुक्रिया। मैं बस कल का बता दूं कि कल हमारा जो सत्र है 7 से 8 सत्याग्रह का, उसमें एडवोकेट आराधना भार्गव रहेंगी मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन के बारे में बताने के लिए, और प्रभनूर कौर रहेंगी पंजाब से, और कल के सत्र का जो संचालन है वो डॉक्टर सुचिता कुमार करेंगी जो सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य है। और हम फिर आप सब लोगों का धन्यवाद देते हैं, और लता जी और सुदेश जी आपको हम फिर कभी बुलाएंगे तो ये बात हम लोगों की, और क्योंकि जैसा राजीव ने कहा कि एक सत्र इसके लिए काफी नहीं है तो हम इस बात को और आगे जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सुदेश जी, धन्यवाद राजीव जी, धन्यवाद संदीप जी, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लता जी।